नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार SI के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके 2008 के पेपर से संबंधित हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है। ऑप्शन बी पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाण सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान है। ऑप्शन बी तंजौर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था से जुड़ा विभाग, यह आपका गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन है कारण है आपको कोट के माध्यम से बताना है। गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण है। कथन देखिए क्या कहता है, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रम है जिसमें चट्टानें विखंडित होकर अपने स्थान पर ही रहती हैं और इसकी व्याख्या कारण आर करता है। अपक्षय के अंतर्गत भौतिक व रासायनिक प्रक्रम अर्थात ताप, तुषार, जीव जंतु, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के चट्टानों का विघटन, अवदलन व अपघटन होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में अग्रणी इन देशों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए कूट के माध्यम से। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, पहले आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आएगा सोवियत संघ, फिर आएगा जापान और फिर आएगा आपका चीन। अगला है, आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे। ऑप्शन बी सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो गाइस, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली में। पाषाण काल में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ऑप्शन ए सबको दफनाकर किया जाता था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, ऑप्शन डी वाला आपका जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे। पहला वाला कहता है, मैग्नेटाइट का निर्माण आग्नेय चट्टानों में होता है। बी है, हेमेटाइट परतदार चट्टानों में पाया जाता है। और सी है, लिमोनाइट को कभी कभी बॉग आयरन या पंक लोहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कारकों में से समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा और चौथा। पहला आपका है कोरियालिस बल, दूसरा है स्थानीय पवन, चौथा है महाद्वीपीय संरचना या आकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ऑप्शन डी द्रविड़। व्यापारिक पवनों से प्रभावित होने वाले स्थान हैं, कूट के माध्यम से बताना। ऑप्शन बी, पहला देखिए वेस्ट इंडीज, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है मेडागास्कर। अगला है, कार्बामेट कीटनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा माल निम्नलिखित होता है। ऑप्शन ए मेथिल आइसोसाइनेट। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव या हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है। ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी मृतकों का टीला। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन सी रामदास था। और शिवाजी की माँ का नाम क्या था, ये हो जाएगा ऑप्शन बी जीजाबाई। निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन डी मेहंदी ख्वाजा।
शेरशाह के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पहला है उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, बी है आवागमन की सुविधा हेतु अनेक राजमार्ग व सरायों का निर्माण, और सी है उत्कृष्ट भूमि व्यवस्था। नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो देखिए एक ही होता है, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। एंजाइमों की वह प्रमुख विशेषता है, विशेषता जो उन्हें कार्बनिक संश्लेषण में लोकप्रिय बनाती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वो जो मेन होती है वो है विशिष्टता। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो गाइस सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्वरूप था आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन आपका गाइस है विशाल स्नानागार स्थित है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला है किस धातु का सिंधु भाषियों को ज्ञान नहीं था? ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। कार्बन पृथक्करण, कार्बन ऑफसेट, कार्बन कुंड, कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट इत्यादि ये घटक किसको कम करने के प्रमुख उपाय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु भाषी अपरिचित थे? ऑप्शन बी अश्व या जिसे कह सकते हैं घोड़ा। अगला है ऋग्वेदकालीन शासन तंत्र था, ऑप्शन बी राजतंत्रीय। वैदिक आर्यों का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा विदेश व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका बनता है काला शोक किस वंश का शासक था? तो काला शोक जो आपका था ऑप्शन बी शिशुनाग वंश का शासक था। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस का भारत पर आक्रमण हुआ, तो ऑप्शन सी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला गाइस क्वेश्चन है कथन है कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो कथन और कारण देख लेते हैं। कथन क्या कहता है? शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया प्रशासकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित करती है, परिमाणता बेहतर संचार, बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास, बेहतर प्रशिक्षण एवं कार्मिक विकास होता है। कारण भी आपका सही है, शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया में बजट काल में खर्च के लिए धन की उपलब्धता में आए किसी उत्तर पूर्व परिवर्तन के लिए वित्त के पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? ऑप्शन डी विटामिन डी को कहते हैं। अगला है संगम काल में कुल 3 संगम हुए, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी अगस्त। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, ऑप्शन डी। पहला देखिए ग्रेफाइट, इसका हो जाएगा पहले से बालानगिर, फिर एक काइनाइट, इसका हो जाएगा तीसरे से भंडारा, फिर चांदी, इसका हो जाएगा चौथे से धनबाद, फिर सल्फर, इसका हो जाएगा दूसरे से चेंगलपट्टू। अगला है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किस यूनानी आक्रांता से संबंधित है? ऑप्शन बी मिनेंडर। अगला है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था, ऑप्शन ए सिमुक। विदेशी व्यापार सभी देशों के लिए तब लाभदायक होगा जबकि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पहला क्या है सभी देश सभी वस्तुओं का उत्पादन करें, और बी है सभी देश अपनी विशेषज्ञता वाली वस्तुओं का उत्पादन करें, और सी है सभी देश अपनी जरूरत के अनुसार उत्पादन करें। किसी देश को अगर अपना आयात कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन सी
आयात लाइसेंस या कोटा तथा टैरिफ नीति लाभदायक होती है। महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य लिखने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे। ऑप्शन ए नागार्जुन। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अश्वघोष द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी मध्यकारिका, और बुद्धचरित है, सौंदरानंद है, और सारिपुत्र प्रकरण है। अगला है, व्याक प्रकार सिक्कों का निर्माण कराया? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। कथन है, कारण है, और कोट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं कथन क्या कहता है। सभी एंजाइम जीवित तंत्रों में कार्यात्मक या फंक्शनल भूमिका निभाते हैं, और कारण भी सही है, एंजाइम में पेप्टाइड अनुबंध होता है। अगला है, त्रिकोणीय संघर्ष का केंद्र था? ऑप्शन सी कन्नौज। नेक्स्ट, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, द्वितीय को किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था? ऑप्शन ए गोविंद तृतीय। वैज्ञानिक उपकरणों साइंटिफिक ऑपरेटर्स में परावैगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है? ऑप्शन डी हो जाएगा क्वार्ट्ज कांच। बादामी के चालुक्यों का साम्राज्य नष्ट किया था? ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। सन 1417 ईस्वी में बहमनी राज्य में आने वाले रूसी यात्री का नाम था? ऑप्शन ए निकितन। नेक्स्ट, जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर लेता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता? ऑप्शन सी समाप्त होकर साम्य की ओर बढ़ने लगती है। अगला है, सरकी वंश का महानतम शासक था? ऑप्शन बी शमसुद्दीन इब्राहिम। अगला है, न्यूक्लियाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेंगा अभिकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 131। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा हो सकता है। देखिए 131, I-53 मतलब आयोडीन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को किस सुल्तान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। गाइस अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन सी जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला, तीसरा और पांचवा। पहला क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तीसरा क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और पांचवा है, लिखित संविधान। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन बी अपसादी सैलों में। अगला है, मुंतखाब उल लूबाब का लेखक है? ऑप्शन बी खफी खां। शिवाजी के लड़ाकू जहाज को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? ऑप्शन बी मचुआ। किस वर्ष शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कैद किया था और वे कैद से भाग गए? ऑप्शन डी 1666 ईस्वी में। नीचे दिए गए युग्मों में रेशेदार फसल तथा उसके उत्पादक देशों के नाम हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन सी, बाकी के सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है अबाका जो कि हो जाएगा फिलीपींस, फिर सीसल इसका हो जाएगा तंजानिया, फिर उरे नालो बालो तथा पुंगा इसका हो जाएगा कांगो बेसिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं बनी है? तो ऑप्शन सी जहांगीरी महल। निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रशासकों की माँ हिंदू थी? कोर्ट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी तीसरा और पांचवा, तीसरा जहांगीर और पांचवा है औरंगजेब।
निम्नलिखित मुगल शासकों तथा उनकी माँ के नामों को सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि मिलान कर पाएँ। ऑप्शन ए देखिए, पहला है अकबर, अकबर का हो जाएगा हमीदा बानो बेगम, फिर है शाहजहाँ, इसका हो जाएगा जगत गोसाई, फिर है औरंगजेब, इसका हो जाएगा मुमताज महल, फिर है जहांगीर, ये हो जाएगा मरियम उज्जयानी। अगला है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है किसके सांद्रण के बढ़ने से। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगरा स्थित सिकंदरा का निर्माण पूर्ण कराया था। ऑप्शन डी जहांगीर ने पूर्ण कराया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार का कौन सा विद्वान दक्षिण का बीरबल कहलाता था। ऑप्शन सी तेनालीराम। सीवेल द्वारा रचित दी फोर गोटेन एम्पायर का संबंध है। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य से। नामदेव ने भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरगना में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह द्वारा परास्त होकर हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। ऑप्शन बी बिलग्राम का युद्ध। राणा सांगा के विरुद्ध बाबर को किस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी खानबा का युद्ध। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, ये हो जाएगा ऑप्शन बी दीन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़क कर। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए काम आने वाली धातुओं का युग्म है। ऑप्शन ए क्रोमियम तथा इस्पात। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सत्य कथन है कोट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी दूसरा देखिए, ये परतों के रूप में नहीं पाई जाती। तीसरा है स्वभावता ये रबेदार होते हैं। और चौथा है इनमें जीवाश्म उपस्थित होता है। नेक्स्ट है तुर्काने चहलगानी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस, इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत में प्रांतपति को कहते थे। ऑप्शन बी वली या मुफ्ती। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे भारत का साम्राज्य खो बैठा, यह कथन शेर शाह ने कब कहा था। ऑप्शन ए मारवाड़ की विजय के समय। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा कैद करके कहां रखा गया था। ऑप्शन बी आगरा के लाल किले में। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। ऑप्शन ए यूरिया। और आज का लास्ट है, सन 1464 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन सी बीकानेर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।